क्लासेस में वेलकम। आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें प्रोटोजोन डिजीज डिस्कस करनी है। इसमें सबसे पहले जो डिजीज हम डिस्कस करेंगे वो मलेरिया करेंगे। आपको पता है जो मलेरिया है उसका जो पैथोजन है या पॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, और जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो, जिसके थ्रू ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होता है। तो अब इसके कॉजिटिव एजेंट और वेक्टर का हमें पता लग गया है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में हम इसे ज़रूर ज़रूर इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में लिखे जाया जाए तो आपको बता दें, प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, एक मॉस्किटो में और एक ह्यूमन में। हमेशा दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल दो फेज में कंप्लीट होते हैं, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी ह्यूमन को, चाहे किसी भी पार्ट पे बाइट करे, वो हमेशा वहाँ पर उसकी इन्फेक्टिव स्टेज यानी स्पोरोजोइट को इंसर्ट करता है। जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो एस शेप की होती है, इसीलिए हम उसे स्पोरोजोइट कहते हैं, ठीक है। ये स्पोरोजोइट जो है वो ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जैसे ही बाइट करते हैं वैसे ही ये स्पोरोजोइट जो है वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं लीवर सेल्स के अंदर। लीवर सेल्स में पहुंचते ही ये यहाँ पर अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से ये अपने नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यहाँ पर फॉलो करते हैं उसे मल्टीपल फीजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही पैरासाइट रीच करता है लीवर सेल के अंदर, मल्टीपल फीजन करता है, मल्टीपल फीजन के बाद लीवर सेल को बर्स्ट कर देता है। लीवर सेल के बर्स्ट होते ही वो रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जब ये लीवर सेल्स के अंदर अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइम पे हम इन्हें स्पोरोजोइंट्स कहने लग जाते हैं। और ये स्पोरोजोइंट्स जो है अब एस शेप से सर्कुलर शेप के हो जाते हैं। इस स्टेज पर जाकर वो आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। आरबीसी के अंदर अब दो टाइप की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे ये आरबीसी में पहुंचते हैं अब इन्हें बोलने लग जाते हैं ट्रोफोजोइट्स। कुछ ट्रोफोजोइट्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर आरबीसी के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, यानी कुछ आरबीसीज ऐसी हैं जो ट्रोफोजोइट्स को ही बार बार प्रोड्यूस करती रहती हैं बाय द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसकी वजह से जो इनका नंबर है वो आरबीसी में कम नहीं होता और हमेशा उतना ही बना रहता है, ठीक है। ये ट्रोफोजोइट्स अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मैच्योर ट्रोफोजोइट्स बनाते रहते हैं, पर कुछ ट्रोफोजोइट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि सारे ट्रोफोजोइट गैमेट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। कुछ हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि ब्लड सेल्स के अंदर उनका नंबर मेंटेन रह सके, ठीक है। इनसाइड द आरबीसी दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सम प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। फिर जैसे ही ये आरबीसी को बर्स्ट करके रिलीज होते हैं उस टाइम पे ये केमिकल रिलीज करते हैं हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन है ये आरबीसी में जो ब्लड कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके डिग्रेडेशन से बना है। जैसे ही आरबीसी से ये हीमोजोइन रिलीज होना स्टार्ट होता है उसी टाइम मलेरिया के सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होने लगते हैं,
जब ये हीमोजोइन ब्लड में आता है तभी पेशेंट के अंदर चिलिंग के साथ साथ फीवर, चिलिंग, ये सारी चीज़ें फील होने लगती है। हर थर्ड डे पे चिलिंग फील होती है विद द रिलीज ऑफ हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या है? ये हीमोजोइन हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेड कंपाउंड है। आप हीमोजोइन को मार्क कर लें, आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। कब रिलीज होगा? जब आरबीसी डिग्रेड करेगी। किसके डिग्रेडेशन से बना है? हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बना है, ठीक है। तो जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो वापस आरबीसी में जाके अपना नंबर मेंटेन किए हुए हैं और कुछ ने जाकर गैमेट्स बना लिए हैं। दो टाइप के गैमेट बनते हैं, एक बड़ा होता है साइज में जिसे हम मेल गैमेट या माइक्रो गैमेट का नाम देते हैं, और एक छोटा होता है जिसे हम एक बड़ा होता है जिसे हम मेगा गैमेट या फीमेल गैमेट का नाम देते हैं, एक साइज में छोटा होता है जिसे मेल गैमेट या माइक्रो गैमेट का नाम देते हैं। ऐसे स्पोरोजोएट्स जो आगे जाके गैमेट बनाएंगे उन्हें हम गैमेटोसाइट्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का कभी भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, ये हमेशा यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके अंदर ट्रोफोजोइट्स होंगे, ब्लड में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आके इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो जब वो उसका ब्लड सक करेगी तो उसके साथ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को भी सक करेगी, वो जाकर ट्रांसफर हो जाएंगे मॉस्किटो के बॉडी में थ्रू ब्लड। जब मॉस्किटो ने ब्लड सक किया तब उसके बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ट्रांसफर हो गए। जब मेल और फीमेल गैमेट ट्रांसफर हो गए मॉस्किटो में, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और फर्दर डेवलपमेंट होती है इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। आपको याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में ही होता है, क्लियर। यहाँ पर प्लाज्मोडियम के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के नंबर इंक्रीज होंगे और ये सारा काम मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में हो रहा होगा। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे वो इंटेस्टाइन की सेल को बर्स्ट कर आ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स में ये वापस से स्पोरोजोइट की फॉर्म में या एस शेप्ड स्ट्रक्चर में आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर वापस से जब ऐसी मॉस्किटो किसी ह्यूमन के जाके बाइट करेगी तो ये स्पोरोजोइट उसके ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगे और इस तरीके से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों की हेल्प से कंप्लीट होती है। ये तो था कि किस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम चलता है। इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन टैबलेट है, बहुत ट्रेडिशनल टैबलेट है, वो है क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, क्रोमोपोमीन, यही टैबलेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसके बाद अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रिकॉशन है कि हम मॉस्किटो बाइट को अगर प्रिवेंट कर दें, अगर इस लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दें तो हम इन्फेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए हमें आसपास के एरिया में कभी पानी इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए, कूलर का पानी कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए, हमें अपने घरों में मॉस्किटो रेपेलेंट को यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट को यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से हम इस डिजीज़ को स्प्रेड करने से स्टॉप कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से ही पूछा जाएगा। थैंक यू।